हेलो, गुड इवनिंग आवाम। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस। वैदिक मैथमेटिक्स में आज हम आठवां चैप्टर पढ़ रहे हैं, और आठवें चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किसी क्यूबिक सीरीज का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज गिवन है, ये है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और हमें इस सीरीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्यूबिक सीरीज है और इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें यहाँ पर ये सीरीज़ 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और कहीं तक भी जा सकती है, और इसके बीच में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होने चाहिए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि सीरीज़ 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और ये सीरीज़ कहीं तक भी जा सकती है, और इसके बीच में कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक रैंडम सीरीज़ का हम सम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज़ का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, और सीरीज़ में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सीरीज़ का सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा नंबर है 4, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, और इनटू नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 4 है, तो ये आएगा इन दोनों को ऐड करके 5 इंटू 2 और मल्टीप्लाई सॉरी 5/2 इंटू 4, तो ये कटेगा आपका 2 बार, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इस सीरीज़ का स्क्वायर रूट आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सीरीज है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, और इस सीरीज का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सीरीज का सबसे छोटा टर्म है 1, सबसे बड़ा टर्म है 7, और इसको 2 से डिवाइड करूँगा ऐड करके, और मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ टर्म से। तो नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर 7, इन दोनों को ऐड करके आता है 8, 8 इंटू 8/2 इंटू 7, ये कटेगा 4 टाइम्स, और इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 28। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अप टू, ये मान लीजिए कि 9 के क्यूब तक। तो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के क्यूब हैं जो ऐड हो रहे हैं, और उनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है सीरीज़ में 1 और सबसे बड़ा नंबर है 9, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 9, इन दोनों को ऐड करके आता है 10, 10/2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा काट के 5, 5 इंटू 9 होगा 45। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल पिछले वाले लेक्चर से बिल्कुल सिमिलर है ये। और कल मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट।